हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपनी ऐप के लिए स्प्लैश स्क्रीन कैसे क्रिएट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करना एक सिंपल प्रोसेस है। हम हैंडलर क्लास का यूज़ करेंगे इसके अंदर। मैंने हैंडलर क्लास के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो हैंडलर क्लास की मदद से हम कुछ फ्यूचर में कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद मुझे कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, तो मैं हैंडलर क्लास का यूज़ करता हूँ। तो कोड पर चलते हैं। तो क्योंकि ये सीरीज़ की स्टार्ट है, तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं इसे नाम देता हूँ टेकी देसी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि आप मेरे साथ साथ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें, कुछ टॉपिक डिसाइड कर लें और उसके ऊपर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें, और एंड में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा जेली बीन को। तो यहाँ पर मैंने API 16 सेलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट करें। उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करें, क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें अपनी पहली एक्टिविटी का नाम देना है, तो मैं इसे नाम दूंगा स्प्लैश एक्टिविटी। तो जैसे ही यूज़र हमारी ऐप को खोलेगा, तो जो हमारी पहली एक्टिविटी होगी वो हमारी स्प्लैश स्क्रीन होगी, तो इसलिए मैंने इसे नाम दिया स्प्लैश एक्टिविटी। बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद क्लिक फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये मेरी स्प्लैश एक्टिविटी है, ये उसकी लेआउट फाइल है। तो सबसे पहले इसकी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लेआउट फाइल पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करके रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ। उसके बाद इसमें से ये टेक्स्ट भी रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर एक इमेज भी ऐड करते हैं। तो इसकी विड्थ को मैं दूंगा 180 dpi और इसकी हाइट को भी मैं दूंगा 180 dpi। ये जो साइज़ है ये आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी आपने लोगो चूज़ किया उसकी विड्थ एंड हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेंटर इन पेरेंट और इसे ट्रू कर देंगे। तो जो मेरा लोगो है वो उसे मैं ड्रॉबल फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मेक श्योर करें कि आपकी जो फाइल के नेम है वो स्मॉल केस में ही हो। क्लिक ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लोगो कॉपी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे SRC और इस लोगो को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। जनरली जितने भी लोगोज़ होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट हमारी जो बैकग्राउंड है वो इसी कलर की है, तो ये लोगो काम कर जाएगा। उसके बाद हम अपनी रिलेटिव लेआउट की बैकग्राउंड सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दूंगा बैकग्राउंड। तो इस ऐप के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कलर्स हैं वो हम color.xml फाइल में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे वैल्यूज़ फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं colors.xml फाइल है, इसको डबल क्लिक करें और इसके अंदर एक रिसोर्स ऐड करते हैं कलर, और इसे नाम देंगे कलर बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा कलर। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे कलर्स हैं वो एक ही जगह पे मेंटेन रहेंगे। अगर लेटेस्ट स्टेज पे मुझे अपने ऐप के कलर्स चेंज करने पड़े तो मैं यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ। तो जितने भी आपके कलर्स हैं वो यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं, एक ही जगह पर चेंज होगा। और इसकी बैकग्राउंड में हम कलर सेट कर देंगे वाला एट कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर बैकग्राउंड आ रहा है, इसको सेलेक्ट करें। तो ये हमारा लोगो और हमारी बैकग्राउंड आ चुकी है, बट इसके अंदर हमारी टूल बार भी है, तो इसको देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे। मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर एक थीम लगी हुई है, स्टाइल ऐप थीम, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐप की थीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक डार्क एक्शन बार लगी हुई है। इस टूल बार को हम एक्शन बार भी कहते हैं, तो मैं इसे चेंज करके नो एक्शन बार कर देता हूँ। अब वापस चलते हैं अपने UI के ऊपर और प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी टूल बार हट चुकी है, बट ये जो कलर है ये हमारा डिफरेंट है, तो इसको देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। दोबारा से अपनी style.xml फाइल के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कलर डिफाइंड है। तो ये जो हमारा कलर है ये हमारी इस वाली प्रॉपर्टी से पिक हो रहा है। तो क्योंकि ये जो कलर है हमें पूरी ऐप के अक्रॉस कंसिस्टेंट रखना है, तो मैं इसके अंदर जाके चेंज कर देता हूँ। तो मैं अपनी कलर्स फाइल के अंदर जाता हूँ। तो ये जो तीनों कलर्स हैं इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, जो मैंने इस ऐप के लिए चूज़ किए कलर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कलर चेंज हो चुके हैं। तो ये जो मेरा कलर बैकग्राउंड है और जो मेरी कलर प्राइमरी डार्क है वो सेम है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से और अपने लेआउट फाइल में जाके इसे चेंज करके इसे मैं कर दूंगा कलर प्राइमरी डार्क। और इसके बाद इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्प्लैश स्क्रीन तैयार हो चुकी है, बिल्कुल सेम कलर है। इसके बाद इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू ऐड करूँगा और इसे मैं रैप कंटेंट और रैप कंटेंट दूंगा, और इसे मैं टेक्स्ट देता हूँ टेकी देसी, और इसको टेक्स्ट साइज देंगे 32 SP, और इसका टेक्स्ट कलर सेट करते हैं कलर एक्सेंट। उसके बाद हमें इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेट करना है, तो उसके लिए मुझे अपने लोगो को ID देनी पड़ेगी, @ID img लोगो, और अपने टेक्स्ट व्यू पे जाके इसे लिख दूंगा बिलो, और इसे मैं दूंगा ID इमेज लोगो, और इसको सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पे दूंगा सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। तो ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। उसके बाद कोड पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको रीडायरेक्ट कैसे करेंगे। तो कुछ सेकंड के बाद हम इसे रीडायरेक्ट करेंगे एक नई एक्टिविटी पे। तो सबसे पहले इसके अंदर एक नई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं इसके अंदर। तो ये सारे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और क्लिक फिनिश। तो ये मेरी नई एक्टिविटी ऐड हो चुकी है। इसके लेआउट पर चलते हैं और अभी के लिए इस पर एक टेक्स्ट व्यू दे देते हैं। यहाँ पे इसे रैप कंटेंट दे देते हैं अभी के लिए, और इस पर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं।
इस पे लिख देते हैं मेन एक्टिविटी। इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे विजिबल हो जाए। इसे मैं देता हूँ 40 SP। तो ये मेरी दूसरी एक्टिविटी है जिस पे हम रीडायरेक्ट होंगे। तो उसके बाद स्प्लैश एक्टिविटी पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हम हैंडलर क्लास का यूज़ करेंगे, तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं हैंडलर क्लास का। तो सबसे पहले मैं एक हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, हैंडलर इक्वल टू न्यू हैंडलर। तो हैंडलर क्लास के अंदर एक मेथड होता है पोस्ट डिलेड मेथड। ये क्या करता है, ये कुछ सेकंड्स के बाद आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो आप इसे कोड स्निपेट दोगे और वो कुछ सेकंड्स के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू रनेबल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2500। ये जो हमारा टाइम होता है ये मिली सेकंड्स के अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि 2.5 सेकंड्स के बाद स्प्लैश एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ जो मुझे एग्जीक्यूट करना है 2.5 सेकंड्स के बाद। तो यहाँ पे मुझे एक नई एक्टिविटी ओपन करनी है। तो यहाँ पे मैं इंटेंट का यूज़ करूँगा, इंटेंट इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। और इसे हमें अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस और हमारी क्लास का नाम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास और उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। तो 2.5 सेकंड्स के बाद ये रीडायरेक्ट होगी मेन एक्टिविटी पे। बट इस कोड में एक प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ से बैक बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी स्प्लैश स्क्रीन पर वापस चला जाएगा। बट जनरली स्प्लैश स्क्रीन के साथ क्या होता है कि वो सिर्फ एक ही बार दिखती हैं। तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा कि जो हमारी स्प्लैश एक्टिविटी है वो सिर्फ एक ही बार आए। तो यहाँ पे एक मेथड होता है फिनिश। तो ये हमारा एक फिनिश फंक्शन है, वो क्या करता है कि हमारी जो एक्टिविटी होती है उसको हमारे स्टैक से रिमूव कर देता है। तो अगर हम इस कोड को लगाएंगे और इसको दोबारा से रन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्प्लैश एक्टिविटी है, उसके बाद ये मेरी मेन एक्टिविटी आई। अगर अब मैं यहाँ पे बैक बटन प्रेस करूँगा तो हमारी होम स्क्रीन आएगी। तो ये मेरी होम स्क्रीन आ चुकी है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम अपनी ऐप का आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आइकन देख सकते हैं, ये इसका डिफॉल्ट आइकन है। तो इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करें न्यू पर, यहाँ पे इमेज एसेट वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉन्चर आइकन है। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसमें अपनी इमेज सेलेक्ट करूँगा, जो भी मुझे इमेज सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे हमने ड्रॉबल फोल्डर के अंदर एक लोगो ऐड किया था, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा लोगो आ चुका है, उसके बाद इसको हम फॉर्मेट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग देते हैं इसे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हम इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो वाइट कलर है इसको हम चेंज करके इसी कलर का कर देंगे। कलर पिकर है, इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं अपना कलर सेलेक्ट करूँगा चूज़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आइकन तैयार हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी शेप भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अभी ये स्क्वायर है, इसको आप चेंज करके सर्कल भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी सी और पैडिंग देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप सर्कल आइकन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये मैंने स्क्वायर सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका नाम है IC लॉन्चर। करंट एंड्रॉयड ऐप के स्ट्रक्चर में हम दो आइकन प्रोवाइड करते हैं, एक हमारा सर्कल वाला होता है और एक हमारा सिंपल। तो ये जो हमारा आइकन ये सिंपल वाला है और उसके बाद हमें एक राउंड वाला भी बनाना होगा। तो इस पर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और इस तरीके से हमारा आइकन तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिनिश क्लिक करें। दोबारा से हम सेम प्रोसेस करेंगे राउंड वाले के लिए। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ न्यू इमेज एसेट और इस बार हम इसे नाम देंगे राउंड। सेम स्टेप्स हैं वही फॉलो करने हमें। मेक श्योर करें कि आप इसके नेम को चेंज करके इसे राउंड कर दें। उसके बाद इसे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं, इसको सर्कल कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी पैडिंग देंगे इसमें। उसके बाद इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। तो ये हमारा सर्कल वाला आइकन भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आइकन्स आ चुके हैं, iclauncher.png स्क्वायर वाला, उसके बाद ये हमारा राउंड वाला है। तो इस तरीके से हम आइकन जनरेट कर सकते हैं अपनी ऐप के लिए। इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आइकन टेकी देसी का, ये मेरा सर्कल वाला आइकन है। तो ये था हमारा स्प्लैश स्क्रीन वाला वीडियो और इसमें हमने देखा कि हम आइकन्स कैसे क्रिएट करते हैं अपनी ऐप के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें हमारी इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।